हम लोग रेडी हो चुके हैं और हो रहे हैं 8:30 और हम लोग को अभी यहाँ से जाना है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी करना है। यहाँ से हम लोग जाएंगे फूलपुर, तो वहाँ पर जहाँ पर है शादी है। तो अब 8:30 हो रहे हैं, तो हो सकता है रश भी मिल जाए, जाम मिल जाए, तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब पापा आ गए आखिरकार। पापा आ गए, आपको इतनी लेट क्यों हो गई पापा? अच्छा, डीजल भराने में लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आलिया ने आज का व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे उसने बता ही दिया है कि हम लोग फूलपुर जा रहे हैं एक शादी अटेंड करने के लिए। तो ये गर्मी की शादी है, हमारे साथ आप भी चलिए इंजॉय करिए। लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा था। मौसम अच्छा क्या था, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन उधर शायद गाँव का एरिया था ना, तो खुला हुआ था और रात थोड़ी बहुत ठंडी भी हो जाती है, और एक दो दिन से थोड़ा मौसम अच्छा भी हो गया था, तो फिलहाल उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो ये यहाँ पर इस रूट पर हम लोग इससे पहले भी एक दो बार जा चुके हैं, तो ये झूसी होते हुए हम लोग गए थे। तो थोड़ा सा रास्ता हमने आपके साथ शेयर कर दिया और यहाँ पर देखिए हम लोग शादी में पहुँच गए हैं। तो ये हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, उनकी भतीजी की शादी थी, यानी उनके भाई की बेटी और बेटे दोनों की शादी थी। तो आज बेटी की बारात आनी थी, बेटे का हो चुका है, मतलब उसकी बारात जा चुकी थी और दुल्हन घर आ गई थी, आज बेटी की बारात आनी थी। तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर दें, हमारे साथ आप भी इंजॉय करिए, व्लॉग को फुल वॉच करिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर करना मत भूला करिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए थीम कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर आज इन्होंने जो थीम बना रखी थी वो पिंक था। तो देखिए सारा कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट हो रखा था, इनके गेस्ट भी आ गए थे और हम लोगों को यहाँ पर स्टार्टर वगैरह जो लेना था ले लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना भी खा लिया था और ये हमारी भाभी जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। कितनी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह। और ये देखिए बारात आ गई है, तो बहुत सारी आतिशबाजी जो है हम लोगों को टेंट में से नज़र आ रही थी। बाहर तो खैर नहीं गए थे। वो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, हमने बहुत इंजॉय किया। पहले तो लग रहा था गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शायद इतना मज़ा ना आए, लेकिन नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और फिर ये देखिए बारात के साथ जो डाल आती है, हमारे यहाँ तो डाल कहा जाता है इसे, यानी लड़के वाले दुल्हन के लिए जो सारी चीज़ें लेकर के आते हैं वो यहाँ पर लगा दी, और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया सारा अरेंजमेंट था, चीज़ें भी सब बहुत अच्छी थी। तो छोटी छोटी क्लिप बना दी थी कि आपके साथ शेयर कर दें। तो ये देखिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी है, साथ में फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चूड़ियाँ हैं और शूज़ वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लगा रखी थी। अच्छा हाँ, देखिए दुल्हन यहाँ पर नहीं आई हुई थी, दुल्हन जो थी वो अंदर ही थी, मतलब घर में थी और स्टेज पर नहीं लाए थे उसको, वहीं पर निकाह हो गया था, तो दुल्हन हम लोगों ने नहीं देखी। और यहाँ पे अब देखिए अजय भैया भी आ गए हैं, तो सारे लोग उनके ग्रुप के सारे लोग थे, तो ये लोग भी सब आ चुके हैं। अब इधर जो सारी शूट जो है वो हस्बैंड ने किया था, क्योंकि इधर जेंट्स सेक्शन में हम लोग नहीं गए थे, भाई आलिया भी नहीं गई थी। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन नहीं भाई, हम लोगों का जो है ये चीज़ें जो होती हैं वो अलग होती हैं, जेंट्स का अलग होता है और लेडीज़ का अलग होता है, भाई यही तरीका भी होना चाहिए। पर्दा भी खैर कोई चीज़ होता है ना, लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है और सबको एक साथ जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। कोशिश करना चाहिए, कोशिश क्या करना ही चाहिए, दोनों सेक्शन अलग रखना चाहिए भाई, जो चीज़ें हैं वो सही हैं। इस तरह से एक साथ जब कर देते हैं ना तो ये बहुत गलत होता है। और हस्बैंड को देखिए कितने मज़े से ये क्या यहाँ पे बंधवा रहे हैं साफा वगैरह, और खाना भी उन्होंने देखिए शूट कर लिया था, बहुत सारी खाने में वैरायटी थी, तो क्या क्या था। अब हसनैन, हसनैन कहाँ के रहने वाले हैं आप?
इमली कहेंगे। क्या बना रहे हैं आप? सिरी घोड़ी यानी निहारी। किस तरह से ये लोग गर्मी में इतनी मेहनत से काम करते हैं, खाना बनाते हैं और उसके बाद इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। तो इसलिए भाई इनकी तारीफ तो बनती है, इनके लिए लाइक तो बनता है। तो भाई जब भी आप कहीं जाइए, खाना खाइए, तो इनकी तारीफ ज़रूर किया करिए। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए हमने आपको ओरिजिनल या फिर उसको बैकग्राउंड जो आवाज़ कहेंगे वो नहीं दिखाया, मतलब रियल वॉइस आपको नहीं सुनाई है। अच्छा हाँ, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने आलिया को बहुत सारी मुबारकबाद दी है, बहुत सारी विशेस दी है, इसके लिए आप सबका मैनी मैनी थैंक्स। भाई दिल से हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह अपना प्यार जो है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए आप बनाए रखिएगा। तो देखिए मज़ा आ रहा है ना आपको देख करके। आप भी सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में शादी, नहीं भाई अब क्या करें, सीज़न चलता ही है, होता है ना गर्मी में, जिसको जब जैसे सहूलियत होती है उस हिसाब से करते हैं। तो गर्मी में अक्सर ये होता है कि छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की, तो इस हिसाब से रखा जाता है शादियां। और फिर सर्दी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ये होता है बहुत ठंड हो रही है, तो ठंड में भी बच्चों की जब विंटर वेकेशन हो जाती है तो जिसकी जब जैसे सहूलियत होती है उस हिसाब से मैनेज करता है। तो बस उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे और आने के बाहर निकलने पर यहाँ पर हमने अच्छे से फ़ोटोशूट वगैरह कराई। एक बात अभी भी आपको बता दूँ कि अभी तक ब्राइड और ग्रूम नहीं आए हैं और हम लोग निकल आए थे कार के, बहुत वेट किया बट नहीं आए। तो बस अब वापस आने का टाइम हो गया था और बहुत लेट हो गई थी हम लोग को। एक्चुअल में ये हुआ कि बारात का वेट हो रहा था कि बारात आ जाए उसके बाद फिर वापसी हो, और बारात जब आ गई है, निकाह हो गया, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वापसी की। तो वापस में ये देखिए हस्बैंड जो थे वो अजय भैया लोग के साथ हो गए थे, और यहाँ पे भैया ने अपना ड्राइवर दे दिया था तो वो हम लोगों को लेकर के आए और बस अब अपने घर पहुंच गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं और 1 o'clock हो गए हैं। आपको बताया ही था कि मैक्सिमम 1 hour तो लग ही जाएगा पहुंचने में। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा कि नहीं, बट अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर हो रहा है तो बने रहिए वीडियो में। रात में मम्मी को कपड़े याद आ रहे हैं उठाना, ठीक है ना? नहीं, चाहे आंधी तूफान आ जाए कपड़े खराब हो जाए। तो देखिए भाई आकर के हमने सारे कपड़े हटा लिए थे। आजकल दिन में कपड़े नहीं फैलाते हैं, बहुत तेज़ धूप रहती है ना, तो कोशिश करते हैं शाम को ही कपड़े फैलाएं। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो हम लोग संडे को शादी में गए थे और ये मंडे को आलिया का रिजल्ट था, इसलिए उनकी छुट्टियाँ हो गई थी तो आलिया भी घर में थी। तो यहाँ पर हमने बनाया था सूजी का हेल्दी वाला अप्पम, बहुत मज़े का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको रेसिपी चाहिए तो। और इसके साथ यहाँ पे टमाटर और धनिए की चटनी बना ली थी, तो बहुत ही मज़े का हम लोगों का नाश्ता हो गया था, ब्रेकफास्ट हो गया था। चलिए अब एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बोनलेस चिकन बिरयानी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बोनलेस चिकन था, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें, और इसमें हमने दही डाल दी है। कभी कभी होता है ना कि कुछ अलग डिफरेंट खाने का मन करता है, तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाला है, साथ में होममेड बिरयानी मसाला था उसे डाल दिया है, आपके पास टिक्का मसाला हो तो वो डाल दीजिएगा शान वाला। साथ में इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और खड़े गरम मसाले में देखिए ज़ीरा डाला है, दालचीनी डाली है, थोड़ी सी लौंग डाल दी है, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल के मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। स्टार एनिस खुशबू के लिए एक बड़ी इलायची डाल दीजिएगा, और साथ में ये देखिए हमने चाट मसाला भी डाला है, बिरयानी मसाला भी इसमें डाला है। और बस इसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, आधे घंटे के लिए मैरिनेशन काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर और ज़्यादा आप रख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए अच्छे से कलर के लिए इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी
और साथ में सौंफ का पाउडर भी डाल दिया था। बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए इसमें जो बरिस्ता बना करके पहले ही हमने रख लिया था प्याज का, उसको डाल देंगे। ये 3 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको ब्राउन करके निकाल लिया था, ठंडा करके उसको डाल दिया। और जिस कुकिंग ऑयल में बरिस्ता बनाया था प्याज का, उसी कुकिंग ऑयल को डाल देंगे। तो देखिए सिंपल से ये सारे मसाले घर में होते हैं, बस आप इसको मैरिनेट कर दीजिए। और मैरिनेट करने के बाद देखिए इसे पकने के लिए रख दीजिए। ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, इसलिए इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से जैसे ये गर्म हो जाएगा इसे अच्छे से चला देंगे और कवर करके इसे पकने के लिए रख देंगे। बोनलेस है, बहुत जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर पानी जो है पकने के लिए रख देते हैं। इसमें चावल हमें बॉयल करना है, तो इसमें भी वो खड़े गर्म मसाले में बड़ी इलायची है, दालचीनी है, स्टार एनिस है और लौंग है, तेज़पत्ता है। अच्छा हाँ, ज़ीरा भी डाला था बाद में, हमने पहले भूल गए थे। और हरी मिर्च स्लिट करके डाल देंगे। चावल भिगा करके रख दिया था, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, इसे हमने 30-35 मिनट भिगा दिया था। उसके बाद इस जब पानी में बॉयल आ गया है तो ये चावल इसमें डाल देंगे और इसे बॉयल कर देंगे। भाई ये प्रोसेस तो सबको आता ही होगा, क्योंकि भाई आप तो एक्सपर्ट हैं ना बिरयानी बनाने में, ऐसा तो नहीं है, बिरयानी तो सभी लोग बना लेते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेथड सबका बनाने का। देखिए यहाँ पर मसाला हमारा जो है अच्छे से पक गया है, टेंडर भी हो गया है चिकन के पीस। उसके बाद इसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया, 2 बड़े साइज़ का टमाटर का पेस्ट इसमें डाला था। आप चाहिए तो विद बोन भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बोनलेस से बनाएं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हम आपको ये रेसिपी दे रहे हैं। अब देखिए जब मसाला रेडी हो जाएगा, अच्छा हाँ मसाले में थोड़ी सी ग्रेवी रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई मत करिएगा। तो आधा हमने इसमें से निकाल लिया क्योंकि अब इसमें लेयरिंग की बारी है। उसके बाद इसमें हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी थी, अब देखिए चावल का इसमें लेयर लगा देंगे। अच्छा चावल जो है हम 90% तक पकाते हैं, 10% जो चावल होता है वो हमारा दम पे पकता है। इसके बाद एक लेयर लगाई, उसके बाद सेकंड लेयर फिर लगा दी, जैसे आप लेयर लगाते हैं वैसे ही लेयर लगा दीजिएगा इसमें। अब इसमें देखिए केवड़ा जल डाल देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और देखिए जो जिस पानी में हमने उबाला था, चावल को बॉयल किया था, वो पानी जो है 1 बड़ा कप डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, तो फूड कलर डाल दिए, सैफरन है तो सैफरन डाल दीजिए। और जो बरिस्ता जो बचा करके रखा था, थोड़ा सा प्याज वाला ब्राउन ओनियन, उसे डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। थोड़ी देर हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर उसके बाद स्लो फ्लेम पे करके 15 मिनट तक इसे दम पे पकने देंगे। और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और 5-7 मिनट के बाद इसे खोल देंगे। फिर उसके बाद चावल को हल्के हाथों से अलट पलट दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिए, बड़ा ही प्यारा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए जब लुक वाइज अच्छा लगता है तो खाने में जाहिर सी बात है कि अच्छा होगा ही। तो देखिए कितनी ही फ्लेवरफुल हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई है। और इसका जायका वो तो जब आप एक बार बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा, बोनलेस है तो फटाफट बन जाएगी। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो भाई इसी तरह आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम लोग हमेशा आपको दुआओं में बहुत याद रखते हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखा करिए। और फिर से एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।